भैया वॉल्यूम कम नहीं करना है, इको कम करनी है। इको के कारण हॉल में आवाज गूंज रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ाओ इसका, इको कम करो। तो आओ चले श्रीधाम बरसाना की ओर। लाडली जी से प्रार्थना, मैं फिर निवेदन करूंगी कि अगर अभी भी किसी ने बीच में से उठ के जाना है तो कुर्सी पर बैठ जाए। हाँ ये सही है। ये श्री जी को मानने वाले हैं, इन्हें पता है कि भाव क्या होता है और भाव में बाधा क्या पड़ती है। तो आओ बड़े भाव से श्री जी के यहाँ बधाई उत्सव है, लेकिन जो मांगने वाले होते हैं उन्हें मांगने का मौका चाहिए। तो दोनों हाथ उठाते हुए एक बार राधा नाम की जय घोष करें। एक बार बोल दो राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे। तो आओ श्री जी से प्रार्थना करें कि हे लाडली जो, बड़ी दूर किनारा है कश्ती भी पुरानी है, बड़ी दूर किनारा है कश्ती भी पुरानी है। लाडली तो लो क्या मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है कश्ती भी पुरानी है, बड़ी दूर किनारा है सभी गाइए कश्ती भी पुरानी है। सुनाया वही जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो, और मेरी लाडली तो ऐसी है कि सहज स्वभाव परयो लाडली किशोरी जो को, ये मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मांगना वही है जहाँ देने वाला हो, इसीलिए प्यारे मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा जीव, कोई भी ऐसा भक्त, कोई भी ऐसा रसिक आज यहाँ से खाली ना जाए। क्यों? क्योंकि आप गौशाला में हो, गैया मैया की शरण में हो। जहाँ गैया है वहाँ गोपाल हैं, जहाँ गोपाल हैं वहाँ श्री जी सहज साथ हैं।
तो इसीलिए कोई भी जीभा चुप ना रहे, मेरे साथ गाए। बड़ी दूर कश्ती भी पुरानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। लाडली जू सुन भी तो लो, क्या मेरी से पुकारो प्यारे कि हे लाडली जो माझी बन कर आओ, गर प्रीत निभानी है, माझी बन कर आओ, सभी बुलाइए वो आएंगी। माझी बन कर आओ, गर प्रीत निभानी है, माझी बन कर आओ, गर प्रीत निभानी है। लाडली जू सुन भी तो लो, मेरी कहानी है।
बड़ी दूर बरसाना जाना है, जाना है, जाना है। वहां जाने के बाद अब चलो, अब चलो वहां से। कईयों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मन की स्थिरता बनी रहे, मन की चंचलता खत्म हो, ये केवल श्री जी कृपा कर सकते हैं। कभी पुण्य कर्म तेरी चौखट के पास हमें ले आते हैं, कभी पाप कर्मों के धक्के उल्टे पांव भिजवाते हैं। इसलिए हे लाडली जू, आपसे निवेदन है, महाभाव भाव देकर भक्ति से भर दो मुझको, बहुत चतुर हूं। संकल्प है बरसाने रहने का, लेकिन विकल्प भी बहुत है वहां से भागने के। बस परिवार में मैं मानती हूं शास्त्र अनुसार गृहस्थ आश्रम उचित है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के भी कुछ नियम हैं। जब आपके बाल बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अच्छे से गृहस्थी बसा लें, तो क्या आपको अपना समय किशोरी जी के साथ नहीं बिताना चाहिए?
लेकिन हमारे पास बहाने बहुत हैं। अब आगे घर का क्या होगा, आगे बहू अकेले बच्चे नहीं संभाल सकती है, अब पोते पोती की जिम्मेदारी है, अब दूसरे की हो जाए, अब तीसरे की हो जाए, अब पोता नहीं छोड़ता है। समझ में नहीं आता कि वो नहीं छोड़ते या आप नहीं छोड़ना चाहते हो। मेरी लाडली, कह देना बड़ा आसान है, दीदी आप प्रार्थना करो, श्री जी को कह दो मैं बरसाना बसा ले, वो तैयार है, तुम झोला उठा के आओ तो सही। मैं तो कह रही हूँ झोले की भी जरूरत नहीं है, वहाँ सारी व्यवस्था है सारी। इसलिए लाडली जू, आपकी कृपा में देरी नहीं है, मेरे संकल्प में कमी है, मेरे पास विकल्प ही बहुत है, तुमसे दूर भागने के विकल्प बहुत है मेरे पास, इसलिए आप कृपा करो। महाभाव भाव देकर भक्ति से भर दो मुझको, ऊंचा बोलिए, बरसाने में रहने के काबिल कर दो मुझको, संकल्प विकल्पों की रंजिश ये पुरानी है, रंजिश ये पुरानी है। लाडली जू सुन भी तो, कश्ती भी जरा ऊंचा बोलिए, लाडली जू बड़ी स्वामिनी जी को सामने रखते हुए बोल रही हूं, तुमको देखा तो घना साया,
शब्द ना बन पाए प्रारब्ध ही करता है। मैं जानता हूं पाप है पर पाप रत रहता सदा। तुम हमेशा रोकती हो, अंदर बैठकर हमेशा रोकती हो, पर हमें जितनी सुननी होती हम उतनी सुनते हैं। वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन, वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन, बार जिन्हां नू लभनी है किथे ओही सजण ना हो। आप अंदर से रोकती है लेकिन मैं मानता नहीं, इसलिए मुझे संतों की शरण में भेज दो कि मेरा फिर तुझसे दूर रहने का कोई प्रारब्ध ही ना बने। अपने प्रारब्ध वश मुझे बार बार वृंदावन बरसाना छोड़ के ना आना पड़े। पढ़ लो अंतर मन की, कोई शब्द ना बन पाए। पढ़ लो अंतर मन की, कोई शब्द ना बन पाए। संतों की शरण वो जो जोत जगा बैठे मुझको भी जगानी है। वो जो जोत कश्ती भी पुरानी है, लाडली जी।
मैं गुनाहगार फिर भी तेरा हूं, ये तुझको एतबार क्यों नहीं होता। तेरे आंचल में छुप के रो लेता ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। इसलिए सभी मेरे साथ दोनों हाथ उठा के गए, सीधे हाथ उठा कर गई है कि हे स्वामिनी जी, आपने अपने लिए कहना है क्योंकि श्री जी की कृपा में कोई कमी नहीं है, हमने अपने ऊपर आप कृपा करनी है, देरी इस बात की है। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, पापों से भरी हूं मैं, छोड़ो फिर भी रख लो, ऊंची आवाज में बोलिए सभी, मेरे साथ फिर से दोहराइए, महाभाव भाव देख भक्ति से भर दो मुझको, बरसा और उन संतों की तरह हूं, वो जो जोत जगा बैठे हमको भी, वो जो कई जन दिमाग लगाते हैं और ये दिमाग का सौदा नहीं है, ये प्रेम का सौदा है। कई जन ये कहते हैं कि यहाँ भी तो बरसाना ही है, जरूरी वहां जाके कुछ अलग मिल जाना है, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज सीकरी जी आज 9 साल से बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं, इनको क्या मिला है, क्या मिला है कि अपनी नौकरी को छोड़कर
वहां श्री जी के चरणों में उस रज में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या मिला है हमारे तुलसी बाबा को जो दिन रात, अभी बेटा इसकी आवाज बहुत है तुम मान नहीं रहे, वो तुलसी बाबा अभी मुझे सब मिलवा रहे थे, ये यहाँ के करोड़पति है, यहाँ के अरबपति, यहाँ के सेठ, वहां के सेठ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो सेठ अपनी मिलों को छोड़कर एक फटी पुरानी धोती पहनकर सारी सारी रात किशोरी जी का चवर डुला रहे हैं, वो बूढ़े हाथ, वो 70 वर्ष से ऊपर की आयु, वो भीगी भीगी आंखें, शरीर कांप रहा है, लेकिन शाम को 7 बजे अटारी पर पहुंच जाना है कि श्री जी के शयन का समय होगा, श्री जी को रात को कोई कष्ट ना हो, और इसलिए मुझे चवर डुलाने की तैयारी करनी है। मैं किसको सेठ मानूं जिसने पाकर सब छोड़ दिया, या जो श्री जी को छोड़कर पीछे भाग रहे हैं। मैं किसी को नहीं कह रही, मैं खुद को भी साथ कह रही हूं, ये सब श्री जी के हाथ में है। वो जो जोत जगा बैठे मुझको भी जगानी है। क्या मिलता है उन बूढ़े बाबा को जो दिन में 2 बार अटारी पर आते हैं, श्री जी के सामने खड़े होते हैं, चाहे नाचना आता है या नहीं आता है, चाहे कोई साज बाज बज रहा है या नहीं बज रहा है, उन्होंने श्री जी के सामने जाना है, दोनों हाथ उठाने हैं, 3 बार ऐसे घूमना है, 3 बार ऐसे घूमना है, श्री जी को हंसाना और प्रणाम करके चल देना। क्या है तो प्यारे उनके लिए एक ही बात कहूंगी, क्यों बरसाने के लिए मरे जा रहे हैं सर? नहीं है तभी तो कह रहे हैं वो जो जोत जगा बैठे मुझको भी। एक मैया है हमारे बरसाने में, कुछ सालों से वास कर रही हैं। मैंने कहा मैया आप आ गए, आपका परिवार। बोले कब तक सोचती रहूंगी? बोले वो मेरा परिवार है तो श्री जी भी तो मेरा परिवार है ना। बोले जिस दिन मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने 12वीं पास कर ली और वो आगे पढ़ने के लिए बेंगलोर गया, और मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई कर ली, उसने बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ी और उस दिन मैंने बरसाना की फ्लाइट पकड़ ली। मैं इश्क करने वालों की बता रही हूँ। साल दो साल, कभी साल में उन्हें एक बार जाना पड़ता था। फिर अभी एक रक्षाबंधन का उत्सव आया तो इस पर घर के लोग जरूर बुलाते हैं कि मैया आज आ जाओ, घर पे उत्सव है। तो जो दिमाग लगाया उन्होंने श्री जी के लिए लगाया,
बोले बेटा मैं तो एक संकल्प ले बैठी हूँ। बोले क्या? 4 महीने तक मैंने किसी 4-व्हीलर में नहीं बैठना है। तो बोले ना बैठूंगी, ना बरसाने से बाहर जाऊंगी, ना घर के बच्चे बुलाएंगे। इतना त्याग श्री जी के लिए कौन कर सकता है? बोलो, अब तो इतना सुनने के बाद प्रार्थना तो कर दो, कभी तो सुनाई होगी। वो जो जोत जगा बैठे मुझको भी, वो जो जोत लाडली जू सुन भी तो लो, क्या मेरी के बोलो। हाथ ऐसे ही उठाना, ऐसे ही उठाना। पापों से भरी हूं मैं, छोड़ो फिर भी रख लो। पापों से भरी हूं मैं, अपने बोलना है बोलिए। कुछ और तो पास
क्या बोलिए? आजमा कर तो देखो ये हरिदासी, बोलो बोलो, भावा भाव देकर भक्ति से भर दो मुझको।